Hello students, in this session we are going to continue with exercise number 4.4, question number 4th. Is the following situation possible? If so, determine their present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. Student, हमें यहाँ पे एक situation दी है. Situation क्या है? कि दो friends हैं, जिनके ages का sum 20 years होता है. अब 4 साल पहले इनके एजेस का प्रोडक्ट 48 था, तो क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? और अगर है तो हमें प्रेजेंट एजेस फाइंड करनी है. ठीक है, चलो सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे कि दोनों में से एक फ्रेंड का प्रेजेंट एज है एक्स. लेट आउट ऑफ द टू फ्रेंड्स present age of one friend is x years. ठीक है, अब present age of one friend plus present age of other friend is given as 20. दोनों के प्रेजेंट एजेस का सम हमें 20 दिया हुआ है, जिसमें से एक की प्रेजेंट एज हमने x ले ली है. तो प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड विल बी 20. अब इसमें से हमें अगर प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड चाहिए तो x को राइट साइड ले जाएंगे. देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ अदर फ्रेंड इज इक्वल टू 20 माइनस x. ठीक है, अब हमें 4 साल पहले के एजेस फाइंड करने हैं. 4 years ago एज ऑफ वन फ्रेंड इज इक्वल टू, अब जिसकी प्रेजेंट एज x है उसकी 4 साल पहले कितनी होगी? इट विल बी x माइनस 4. और एज ऑफ अदर फ्रेंड जिसकी अभी की एज 20 माइनस एक्स है उसकी 4 साल पहले कितनी होगी? 20 माइनस एक्स माइनस 4 विच इज 16 माइनस एक्स. ठीक है, अब वी हैव गिवन अ प्रोडक्ट विच इज इक्वल टू 48. जो दोनों की 4 साल पहले की एज का प्रोडक्ट 48 है, तो अब हम दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे. फर्स्ट फ्रेंड की 4 साल पहले की एक्स माइनस 4 एंड द सेकेंड फ्रेंड की एक्स 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48. अब हमें इन ब्रैकेट्स का मल्टीप्लीकेशन करना है. पहले एक्स जो है वो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा. एक्स इंटू 16 दैट विल बी 16x, एक्स इंटू माइनस एक्स दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 दैट इज माइनस 64, एंड माइनस 4 इंटू माइनस एक्स दैट इज प्लस 4x इज इक्वल टू 48. अब इन सब को RHS में लेके जाते हैं तो यहाँ पे 0 बचेगा. एक्स स्क्वायर का साइन माइनस में से प्लस, 16 प्लस 4 यानी कि 20 जिसका साइन LHS में प्लस होगा, RHS में जाएगा तो माइनस 20x, और प्लस 48 एज इट इज प्लस 64, ये 64 माइनस में से प्लस हो जाएगा. सो बाय अरेंजिंग इट वी विल हैव एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 48 प्लस 64 एंड दैट विल बी इक्वल टू 112 दैट इज इक्वल टू 0. अब हमें चेक करना है कि इसके रूट्स मिलते हैं या नहीं. तो फॉर दैट कंपेयरिंग विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए मिलेगा 1, बी होगा माइनस 20 एंड सी विल बी 112. नाउ वी हैव टू फाइंड बी स्क्वायर माइनस 4ac. b is minus 20, that is square of it, minus 4 into 1 into 112. 20 ka square karenge to 400, aur 112 into 4 karenge to that will be equal to 448. Dono ka subtraction karo, you will get minus 48, which is less than 0. That means is equation ke roots to nahi milenge. Therefore, given situation is not possible.
अब अगर सिचुएशन पॉसिबल नहीं है तो आगे की प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है. दिस इज अवर आंसर.